गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी वर्चुअल क्लास। बच्चों, आज मैं आपको वचन बदलो सिखाऊंगी। कल मैंने आपको लिंग बदलो करवाए थे। आप बच्चों मेरे साथ अपनी हिंदी विवा हिंदी व्याकरण बुक निकालिए। सब बच्चे अपनी विवा हिंदी व्याकरण बुक निकालिए। निकालिए बच्चों। ओके, पेज 31 निकाल लिया बच्चों। ओके, वचन बदलो। वचन, बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। बच्चों ये जो चित्र है, इस चित्र को आप सब बच्चे अपनी बुक खोलो और देखो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों इस चित्र में पतंग, फुआरा, बंदर, चिड़िया, फूल तथा झूले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में पतंग, फुआरा, बंदर की संख्या 1 है, जबकि बच्चे चिड़ियां, फूल तथा झूलों की संख्या अनेक है। दोबारा से देखेंगे बच्चों इसको। इस चित्र में पतंग, फुआरा, बंदर की संख्या 1 है, जबकि बच्चे चिड़िया, फूल तथा झूलों की संख्या अनेक है। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। दोबारा से देखेंगे बच्चों। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? 2 प्रकार के। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन कहते हैं। वचन जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक को क्या? बहुवचन। समझ आ गया बच्चों आपको? ओके, एक वचन और बहुवचन। लड़का क्या है बच्चों? एक वचन। लड़का क्या है? एक वचन। लड़का को हम अगर अंडरलाइन करेंगे तो आपको इसको बदलना है। लड़का, लड़के। लड़के का क्या होएगा? लड़का, लड़के। लड़के, लड़का, लड़के। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। बच्चों रहा, रहे, हैं पे क्या आएगी? बिंदी। लड़का, लड़के, लड़के खेल रहे हैं। पंखा, पंखे, पंखा, पंखे। पंखा चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। खिलौना, खिलौने, खिलौना, खिलौने। मेरे पास खिलौने हैं।
मीरा खिलौनों से खेल रही है। मैंने नए खिलौने खरीदे हैं। आप अपना कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। पत्ता पत्ते, पत्ता पत्ते, बगीचे में बहुत पत्ते गिरे हैं। बगीचे में बहुत सारे पत्ते गिरे हैं। पुस्तक पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकालय क्या होता है बच्चों? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। पुस्तकें, तारा तारे, तारा तारे, तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। झूला झूले, झूला झूले, बच्चे झूले झूल रहे हैं। मेले में कई प्रकार के झूले लगे हैं। झूला झूले, मेले में कई प्रकार के झूले लगे हैं। पतंग पतंगे, पतंग पतंगे, दुकान में रंग बिरंगी पतंगे हैं। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे बच्चों। लड़का लड़के, लड़के खेल रहे हैं। पंखा पंखे चल रहे हैं। खिलौना खिलौने, मैंने नए खिलौने खरीदे हैं। पत्ता पत्ते, बगीचे में बहुत सारे पत्ते गिरे हैं। पुस्तक पुस्तकें, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपकी जो लाइब्रेरी है उस वहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको मिलती है ना पढ़ने को। पुस्तकें पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें, तारा तारे, आकाश में तारे चमक रहे हैं। झूला झूले, मेले में कई प्रकार के झूले हैं। पतंग पतंगे, दुकान में रंग बिरंगी पतंगे हैं। समझ आ गया बच्चों? ओके, धन्यवाद।